नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 10 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, लेकिन उसे पहले सरकार ने 10 बड़े ऐलान कर दिए। दोस्तों, बजट में राजस्थान सरकार क्या क्या घोषणा करने जा रही है, इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, जैसे महिलाओं को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। राजस्थान के स्टूडेंट को बड़ा फायदा मिलेगा इस बजट में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भजनलाल सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होने वाला है। और दोस्तों, इस बजट से पहले सरकार ने 10 बड़े ऐलान कर दिए, यानी कि यह ऐलान राजस्थान सरकार बजट में करने जा रही है। दोस्तों, 10 जुलाई को जो राजस्थान में बजट पेश होगा, उसमें सरकार कौन कौन सी 10 घोषणाएं करने जा रही है। और दोस्तों, यह बजट गहलोत सरकार से 25% बड़ा बजट होने वाला है, तो यह बजट राजस्थान वासियों के लिए काफी खास बजट साबित हो सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले यह घोषणा है कि राजस्थान के स्टेट हाईवे हो सकते हैं टोल मुक्त। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार 2013 से 2018 ने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त कर दिया था। इससे जनता को 2,000 करोड़ रुपए की राहत मिली थी, लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने आते ही अपने पहले साल 2019 में ही वापस टोल लागू कर दिया था। तब से अब तक स्टेट हाईवे पर जनता को टोल देना पड़ रहा है। भाजपा ने टोल के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार की भरपूर आलोचना की थी और चुनाव में कहा था कि सरकार बनने पर स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD और वित्त विभाग ने हाल ही राज्य के सभी स्टेट हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में उन स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा होगी। राजस्थान में भी लखपति दीदी मिलेगा 1 लाख का लोन। खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहती हों। इस योजना के लिए पिछले दिनों भाजपा के महिला मोर्चा ने पूरे देश में एक विस्तृत स्टडी की थी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लखपति दीदी प्रोजेक्ट पर रुचि दिखाते हुए वित्त विभाग की पिछली बैठक में प्रेजेंटेशन देखा था। योजना देश भर में लागू होगी, लेकिन भाजपा शासित राज्य इसे लागू करने में रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान में भी इस बजट में ये योजना लागू करने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, पेट्रोल की कीमतें कम करने पर विचार, प्रदेशवासियों की नजरें बजट में पेट्रोल की कीमतें कम होने पर टिकी हुई हैं। राजस्थान देश में पेट्रोल की ज्यादा कीमतों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पहले नंबर पर था। भाजपा ने पेट्रोल की ज्यादा कीमतों को चुनाव में मुद्दा भी बनाया था। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद 2% वैट घटाया था, जिससे राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों को 109 रुपए प्रति लीटर से कम होकर 105 रुपए प्रति लीटर हो गई। लेकिन राजस्थान में अब भी पेट्रोल पर वैट करीब 29% है। चुनावी घोषणा के तहत राज्य सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करने के प्रयास में जुटी है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकार वैट और घटाने का फैसला बजट में कर सकती है। हालांकि CM के स्तर पर फैसला होना है, जो पेंडिंग चल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 2 से 4 रुपए के बीच और घटा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भर्तियों पर बड़ी घोषणा कर सकती है सरकार। एक साल में 75,000 भर्तियां, युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगातें, सबसे अधिक फोकस युवा वर्ग पर रहने वाला है। सरकार युवाओं को अगले एक वर्ष में करीब 75,000 नौकरियों का तोहफा बजट में देने जा रही है। इन नौकरियों के विभागवार पद कितने होंगे, इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत भर्ती कैलेंडर जारी कर उसी आधार पर हर महीने भर्तियां जारी की जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही कहा था कि युवाओं को प्रत्येक महीने एक न एक प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन मिलेगा। इनमें सर्वाधिक नौकरियां करीब 20,000 पदों के लिए शिक्षा विभाग में होंगी। इसके अलावा 53,000 भर्तियां पुलिस, चिकित्सा, जलदाय, वन, PWD और कृषि विभाग में निकाली जाएंगी। RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड पहली किस्त के तौर पर करीब 10,000 पदों पर भर्तियां निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये भर्तियां संभवतः अगस्त में जारी होनी है। इसके अलावा दोस्तों, बजरी के दाम घटेंगे, नई नीति की तैयारी। राजस्थान में बजरी का अवैध खनन व परिवहन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बजरी सस्ती करने के उपाय सरकार ने अभी से शुरू कर दिए हैं। खान विभाग प्रदेश के 9 शहरों में 48 लीज इसी महीने से जारी करेगा। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन 27 जुलाई से शुरू होंगे, जो चरणबद्ध 24 सितंबर तक चलेंगे। सरकार अब बजरी के उन विकल्पों को देख रही है जिनके तहत बजरी के वैध खनन और परिवहन के अवसर बढ़ाए जा सकें, साथ ही लोगों को सस्ती बजरी भी मिल सके। इसके लिए बजट में बजरी खनन व परिवहन के संबंध में नई नीति सामने आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रति टन बजरी पर 500 से 1,000 रुपए की कीमतों में कमी हो सके। इसके अलावा दोस्तों, महिला आरक्षण का दायरा अन्य विभागों में भी बढ़ाने की तैयारी।
बजट में भर्तियों की घोषणा के अलावा सबसे बड़ा तोहफा महिला आरक्षण का होगा। हाल ही सरकार ने शिक्षा विभाग में महिला भर्ती के आरक्षण को 50% तक बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार अब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। महिलाओं को तृतीय श्रेणी 5वीं कक्षा तक, शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य विभागीय भर्तियों में भी 50% पदों पर आरक्षण मिलने के संकेत मिल रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वित्त, कार्मिक व विधि विभाग से लीगल ओपिनियन ले ली गई है। ये भर्तियां शुरुआत में तृतीय श्रेणी, वनपाल, कांस्टेबल आदि के विभिन्न विभागीय पदों के लिए की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, मुफ्त इलाज, महंगे इलाज वाली बीमारियां और डे केयर पैकेज भी होंगे शामिल। राजस्थान में कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना के तहत आम लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा दी थी। कांग्रेस ने इसका प्रचार चुनाव में किया और सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार पर चिरंजीवी योजना को बंद करने और बीमा राशि घटाने के आरोप भी जड़े। भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इस योजना में पिछली सरकार की तरह ही फिलहाल बीमा कवरेज 25 लाख रुपए का है। सूत्रों के अनुसार सरकार बजट में इस योजना के कवरेज को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि इस बीमा योजना का दायरा बढ़ाने और इसे व्यापक करने पर प्रस्ताव चिकित्सा क्षेत्र से पिछले दिनों मांगे गए थे। हाल ही चिकित्सा विभाग ने भी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है। इसके अलावा दोस्तों, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला, सीएम स्तर पर पेंडिंग वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की तैयारी, भजनलाल सरकार अपने इस बजट से राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों सीएम के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठक की थी। कर्मचारियों ने सीएम से डिमांड की थी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालयों, चिकित्सा व केंद्रीय मंत्रालयों, आयोगों व बोर्ड की तर्ज पर 62 से 65 साल की जाए। कर्मचारियों का तर्क है कि एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में भी कई कैटेगरी में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 62 से 65 वर्ष तक है। बैठक में कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को सरकारी विभागों में भी लागू करने की बात कही। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को सप्ताह में एक दिन घर से कार्य करने की सुविधाएं देने की मांग की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, एमएलए एमपी की तर्ज पर पार्षदों के लिए हो सकती है फंड की व्यवस्था। सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए एमपी और एमएलए फंड की व्यवस्था है। जन प्रतिनिधि उस फंड से स्कूल, कॉलेज या संस्था, एनजीओ के लिए कमरे आदि, सड़क जैसे आधारभूत विकास के लिए प्रावधान कर सकता है। राजस्थान में एमएलए को एमएलए फंड के तहत 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। शहरी निकाय और पंचायती राज के जन प्रतिनिधि के लिए फंड की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवा सके। निकायों के जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से संबंधित विकास के लिए निकाय या विभाग को अपने प्रस्ताव भेजते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उपचुनाव वाली 5 सीटों पर विशेष फोकस। राजस्थान में बजट के बाद राजनीतिक पार्टियों का फोकस 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर हो जाएगा। एक दशक के उपचुनाव के आंकड़े देखें तो सत्ता में होते हुए भी भाजपा का स्ट्राइक रेट काफी कमजोर रहा है और कांग्रेस ने हमेशा बाजी मारी है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से कांग्रेस ने 11 सीटें छीन ली। भाजपा की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच अब तक विधानसभा की 17 सीटों पर उपचुनाव में से कांग्रेस ने 12 पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने भी 5 सीटों पर अगले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार बजट में 5 सीटों पर सड़क, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसे महकमों से जुड़े विकास कार्यों को महत्व दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान बजट के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।